अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइस, आज का जो हमारा रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है शहजादा मूवी के ट्रेलर पर। जी हाँ गाइस, शहजादा मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसकी स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन है, कृति सैनन है, परेश रावल हैं और रोनित रॉय हैं और मनीषा कोरीला हैं, और इनके अलावा और भी बहुत से इंटरेस्टिंग एक्टर्स हैं और इसकी स्टार कास्ट काफ़ी बढ़िया है। और आपको एक और बात बता दूं कि शहजादा मूवी अल्लू अर्जुन की अल्ला विक्रमा नायडू मूवी का रीमेक है। उसको बॉलीवुड में बनाया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ मूवीज़ में बॉलीवुड ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं सारे ही फेल हो चुके हैं। लेकिन कार्तिक आर्यन की मूवी जो भूल भुलैया 2 थी वो बॉक्स ऑफिस पर चल गई थी, हिट साबित हुई थी, तो इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे पर्सनली देखा जाए तो कार्तिक आर्यन बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनकी मूवियाँ वो मतलब शहजादा मूवी का रिमेक बना रहे हैं, उन पर बना रहे हैं, तो आई होप फिर उनकी मूवी सक्सेसफुल हो जाएगी, हिट साबित हो जाएगी। तो जल्दी से ट्रेलर की तरफ चलते हैं, ट्रेलर देख लेते हैं और उसके बाद करते हैं डिस्कशन। स्टे विद मी गाइज। वाह यार, रोड दफ्तर संडे पेलता है नाश्ते में मुर्गियां थक गई है। इसको लॉयर बनना है या बाउंसर? दोनों दोनों इतनी एजुकेटेड, टैलेंटेड, डिसिप्लिन, क्यू कर टोटा पटोला, लंबे टांगों वाली, लाख भी अच्छी पड़ती है इनसे। सॉरी मुंडा सुना, मैं थोड़ी तो कर रोड़ दी राजा मौली की रोहित धवन। सो गाइस, ये हमारा रिएक्शन था शहजादा मूवी के ट्रेलर पर। यार ये मूवी 10 फेब 2023 को रिलीज़ हो रही है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है।
कार्तिक आर्यन की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसकी एक्टिंग जिस मूवी में भी होती है काफ़ी अच्छी होती है। भूल भुलैया 2 में भी उसकी एक्टिंग अच्छी थी और इस मूवी में भी अच्छी है। इस मूवी के यार मैक्सिमम सीन्स ना अल्लू अर्जुन वाली मूवी से लिए गए हैं और वो तो लाजमी लेने थे क्योंकि उसी का रीमेक है। और कुछ सीन्स अच्छे खुद से ऐड किए गए हैं जो काफ़ी थोड़े बहुत जिनके बारे में पता चल रहा है और वो काफ़ी अच्छे हैं। डायरेक्ट ट्रेलर से तो लग रहा है कि मूवी अच्छी होगी और एक्टिंग सब सब की अपनी जगह पे बहुत ही गुड है। सब अपना 100% दे रहे हैं। और एक वो जो ये कार्तिक आर्यन के दादा वाला रोल है वो ही कर रहे हैं, नाम मुझे उनका नहीं आता, जिन्होंने उस मूवी में अल्लू अर्जुन के ग्रैंडफादर का रोल किया था। मतलब वो करेक्टर सेम ही है। उसके अलावा कुछ डायलॉग्स खुद से न्यू लिए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं और कुछ वही वाले डायलॉग हैं। और लोकेशंस तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। कुछ चेंजिंग्स हैं मूवी में, लाजमी बात है, रीमेक फुली रीमेक नहीं होता, कुछ चेंज के साथ रीमेक मिलता है। तो वीडियो तो ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा था, मुझे खुद बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आया होगा और वीडियो आपको पसंद आएगी। आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइज़।